सब्सक्राइब कीजिए सिविल टेक हिंदी चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने की। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस नए ट्यूटोरियल में, आज के अपने सिविल टेक हिंदी के ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड्स, आज मैं हूँ मेरे घर से बाहर और मुझे सही लोकेशन नहीं मिल पा रही है वीडियो शूट करने के लिए, इसीलिए यहीं शूट कर रहा हूँ लाइव। और आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स पे और व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, इन सब पे बात करेंगे आज हम इस ट्यूटोरियल में। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। ये जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में मतलब इट मीन्स द शेक्स ऑफ अर्थ एंड वी फील वाइब्रेशन, मतलब एक प्रकार का ये होता है अर्थक्वेक की धरती हिलती है और हम उस कंपन को महसूस करते हैं। हमने पहले बहुत ही पढ़ा है अर्थक्वेक के बारे में कि धरती हिलती है, इसका केंद्र होता है जहाँ से अर्थक्वेक पैदा होता है, जनरेट होता है। और हम इस चक्कर में अगर आगे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ें तो ये बहुत ही डीपली जाता है। और हम आज पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स और कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। फ्रेंड्स, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक होते हैं दो प्रकार के, मेनली दो प्रकार से कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक होता है। पहला होता है नेचुरल डिस्टर्बेंस और दूसरा होता है आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। मतलब यह हम यूँ कहें कि मानव जनित और प्राकृतिक, मतलब यह प्राकृतिक और मानव जनित, ये दो प्रकार के कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के। तो फर्स्ट जो कारण है नेचुरल डिस्टर्बेंस, उसमें भी वापस दो तरह के पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं पहला तो होता है वॉल्केनिक कॉज और दूसरा होता है टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स और वॉल्केनिक। फ्रेंड्स, वॉल्केनिक का मतलब अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है ज्वालामुखी, और टेक्टोनिक्स मतलब जो विवर्तनिका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, प्लेट्स के बारे में है ये। तो आइए जानते हैं कि वॉल्केनिक कोज क्या होता है। वॉल्केनिक कोज मतलब कहीं भी जो ज्वालामुखी है पृथ्वी का एक कोई भी हिस्सा। हम जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म होती है और गर्म होने के कारण इसमें से अंदर से जो पदार्थ छूटता है, जिसको हम अंदर से छूटता है और लावा छूट के वो एक ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट करता है, पृथ्वी से बाहर आता है। इससे अंदर की जो धरती हिलती है, ज्वालामुखी से जो धरती हिलती है, ये होता है वोल्केनिक कोस। मतलब ज्वालामुखी के कारण धरती में कंपन आया और धरती हिली और हमको वाइब्रेशन महसूस हुआ, ये हुआ वोल्केनिक कोस। सेकंड होता है फ्रेंड्स टेक्टोनिक कोस। हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो परत होती है, शायद परत के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, मैंने पहले बनाया है। तो जो पृथ्वी की परतें होती है उसमें सबसे पहले मैंने उसमें बताया कि जो क्रस्ट होती है, फर्स्ट 60 किलोमीटर तक जो क्रस्ट होती है पपड़ी, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी जो परतें होती है विवर्तनिका, वो हिल जाती है। कभी कभी उसके हिलने से भी हमको शेक्स महसूस होता है और शेक महसूस होने के कारण वाइब्रेशन महसूस होता है और इसे हम भूकंप का नाम दे देते हैं। ये है टेक्टोनिक कोस। हमने दो पढ़ लिए, नेचुरल डिस्टर्बेंस में दो प्रकार के होते हैं और दूसरा जो है वो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस को हम ये कह सकते हैं कि हम स्वयं जो काम करते हैं, मतलब नेचुरल पृथ्वी को प्राकृतिक नहीं कर रही है, हम ऊपर से कर रहे हैं और उसके कारण से पृथ्वी में कोई चेंज आता है या शेक्स आता है, हिलती है। जैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट का नाम सुना होगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी जब वो भारी ब्लास्ट होता है, जैसे राजस्थान में हुआ था पोखरण नाम की जगह पर पहले, तो उसके कारण भी वो पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा हिलता है उसमें, क्योंकि वो बहुत ही भारी विस्फोट होता है। और दूसरा जैसे कोई डीप एक्सकेवेशन होता है, तो कोई कहीं गहरी खुदाई होती है, या माइनिंग में ले लीजिए आप, कोई माइंस चलती है उनमें, माइंस में होता है, और या फिर कोई एक बड़ा पत्थर गिर जाता है, भूस्खलन, इन सबसे भी भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि पृथ्वी पे अर्थक्वेक जो आते हैं वो कैसे आते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, और आपको अगली वीडियो में मैं और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो अभी तक इस वीडियो को अगर आपने लाइक या शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी वीडियो आता रहूँगा आपके लिए।
और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं सिविल टेक हिंदी के नाम से, फेसबुक पेज जिसका लिंक मैंने